आज तक तो ढेला पत्थर के सिवा कुछ न मिला है। दर्जनों बार दर्जनों ठिकाने पर रेड मारी जा रही है। भारत सरकार का यही काम है, षड्यंत्र है। आज तक ढेला और गोबर के सिवा कुछ मिला नहीं है। देश को कॉर्पोरेट घराने के हाथ में बेच रहे हो, यह गलती है कि नहीं है? अभी नहीं ना भाई, वेट क्लियर कर रहे गेस्ट लोग। अरे गेस्ट जो रेड हो रही है राबड़ियाबाद पर, उसमें आप क्या कहिएगा? एक बार बताएं, एक बार रेड हुई है? दर्जनों बार दर्जनों ठिकाने पर रेड मारी जा रही है। भारत सरकार का यही काम है, षड्यंत्र है नफरतवादियों का। तो षड्यंत्र से हम लोग जूझ रहे हैं, आप इसलिए परेशान क्यों है? ये भी हो सकता है कि करोड़ रुपया सीबीआई को लोग ले जाएंगे और कहेंगे हाँ यही हमको मिला है। आज तक तो ढेला पत्थर के सिवा कुछ न मिला है, मिट्टी के सिवा कुछ न मिला है। जब षड्यंत्र ही हो रहा है नफरतवादियों का, दिल्ली में बैठे नफरत के पर्याय का, तो कुछ भी हो सकता है। कौन सी बात, नई बात है क्या? अरे भैया ये नई बात है, दर्जनों बार दर्जनों ठिकाने पर छापामारी हुई है और आज तक ढेला और गोबर के सिवा कुछ मिला नहीं है। इनको हासिल होने वाला नहीं है। अब बाहर आप लोग भेज दीजिएगा रुपया लेकर के, गया भाई यही मिल गया हमको, कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे भैया खाली मनीष सिसोदिया गलत किया है, आज जो तरीपार है वो कोई गलती नहीं करता है। तरीपार से पूछिए ना कि आप गलती करते हो कि नहीं। देश को कॉर्पोरेट घराने के हाथ में बेच रहे हो, यह गलती है कि नहीं है? देश को कंगाली की ओर ले जा रहे हो, यह गलती है कि नहीं है? हद तक बेरोजगार मारा फिर रहा है, यह गलती है कि नहीं है? इसलिए नफरत वालों के हाथ से के षड्यंत्र से हमको हम लोग जानते हैं, ये किसी स्तर पर जा सकते हैं, हर स्तर पर हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं।